रेशमलाल जांगड़े एकमात्र जीवित नेता जो कि देश की पहली संसद के सदस्य रहे हैं। इस दलित नेता को इतने सालों में भले ही पार्टी और राजनीति ने दरकिनार कर दिया हो, लेकिन अब 13 मई को राजनीति की इस धरोहर को संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष सम्मान दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता रुचिर गर्ग ने श्री जांगड़े से खास बातचीत की। भारतीय इतिहास में यह तस्वीर अब यादगार ही रह गई है। 1950-52 की अंतरिम संसद के सदस्य अब इस फोटो में ही देखे जा सकते हैं, लेकिन इसी फोटो का हिस्सा देश की पहली संसद के एक सदस्य धरोहर के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। रेशमलाल जांगड़े, छत्तीसगढ़ के दलित नेता जिन्हें मौका मिला आजाद भारत की पहली संसद में अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करने का। हालांकि राजनीति के सुनहरे दौर का ये गवाह गुमनाम हो गया, पार्टी भूल गई, राजनीति भी बदल गई, लेकिन 5 दिन पहले बरसों बाद इस घर में दिल्ली से कोई फोन आया, पता चला श्री जांगड़े का संसद में सम्मान होगा। इस खबर से पिछली कुछ भूली बिसरी यादें भी जबान पर आ गई। 1950 के बाद देखा जरूर संसदीय इतिहास, और याद नहीं आता, ज्यादा नहीं आएगा। संसद में हमारे लालू शास्त्री जी है, अम्बेडकर जी, लाल बहादुर शास्त्री होती थी कभी कभी, बाबू जगजोराम जी ने बहुत ज्यादा बढ़ाया, और उसके बाद में मुझको बढ़ाया मोहन लक्ष्मण नारायण जी के सहपाठी थे वहाँ पर रायपुर वाले, वो मिलते थे, अक्सर मिलते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के इस दलित नेता को 1952 से 62 तक बिलासपुर लोकसभा से जनता ने चुनकर भेजा। कांग्रेस से शुरुआत करने वाले जांगड़े ने 1962 में जनसंघ की राह पकड़ ली। बीजेपी के गठन के बाद से ही बीजेपी में है। एक बार मनोनीत और 3 बार निर्वाचित सांसद रहे जांगड़े अविभाजित मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के मंत्रिमंडल में उपमंत्री और एक बार उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की सरकार में अंत्योदय वित्त निगम के अध्यक्ष रहे। श्री जांगड़े की छवि छुआछूत विरोधी नेता के रूप में होती रही, लेकिन इस दौर की राजनीति में खुद को अलग थलग पाते हैं और इसका गम भी है। लंबे समय तक चलो जांगड़े जी से बात कर लें, ऐसे लोग भी कम है, ऐसे लोग भी तो नहीं है तो मुझसे मिले। लोग आपके पास आते हैं कि आपका हालचाल पूछने, आपके आपके अनुभवों का लाभ लेने? कोई नहीं आ रहा, बहुत 90% नहीं आ रहे, भूल गए लोग, भूल गए। हैरत की बात है कि इतने पुराने और सम्माननीय नेता को कांग्रेस और बीजेपी सभी ने भुला दिया। हाल ही में बड़े बेटे को खोने वाले इस परिवार के पास केंद्र या राज्य कहीं से एक सांत्वना पत्र तक नहीं आया। सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जरूर मिलने पहुंची, जिनके पिता जगजीवन राम से जांगड़े काफी नजदीक थे। हालांकि अब सम्मान की बात से पूरा परिवार काफी खुश है। हमें तो इनका सम्मान सुन के बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा, सभी हमारे पूरे घर के बाल बच्चे परिवार बहुत खुश है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी वाले लोग कोई सुध नहीं लिए समझो। देर आए दुरुस्त आए, देश की पहली संसद में दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाला ये नेता कई सम्मान का हकदार है। 13 मई को संसद के सेंट्रल हॉल में सम्मान इस दिशा में एक कदम ही कहा जाएगा। रुचिर गर्ग, सहारा समय, रायपुर।